दोस्तों स्वागत है आप सभी का हिंदी एंड्रॉयड टिप्स में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप किसी भी एंड्रॉयड फोन में लिखने के स्टाइल को कैसे बदल सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं। आपको कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे कीबोर्ड के अंदर डिफॉल्ट ही यहाँ पर लिखने की स्टाइल चेंज हो चुकी है। यहाँ पर मैं आपको कुछ टाइप करके दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना है। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड के अंदर ही फॉन्ट स्टाइल आपको चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारी फॉन्ट स्टाइल यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। आपको सिर्फ एक बार सेलेक्ट कर लेना है, इसके बाद अगर आप टाइपिंग करेंगे तो दोस्तों उसी फॉन्ट स्टाइल में टाइपिंग होगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। यानी कि बार बार आपको ना ही फॉन्ट स्टाइल को सेलेक्ट करना है, ना ही आपको कहीं से कॉपी पेस्ट करना है। आपके डिफॉल्ट कीबोर्ड के अंदर ही आपको फॉन्ट स्टाइल चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो काफ़ी यूज़फुल दोस्तों ये ट्रिक होने वाली है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपका एक लाइक मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है वीडियोस बनाने के लिए। ये बिल्कुल फ्री होता है यार, एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको कमेंट कर देना है, आपका नाम क्या है दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस कीबोर्ड एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, इसके बाद आपको यहां पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को परमिशन दे देना है। इसके बाद आपको बैक आना है, फिर से आपको यहां पर इस कीबोर्ड एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद यहां पर दोस्तों आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं यहां पर हमारा कीबोर्ड सेट हो चुका है। अब आप इस कीबोर्ड को किसी भी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं इसे व्हाट्सअप पर ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर ये नॉर्मल कीबोर्ड है। अगर आपको इसके अंदर फाउंड स्टाइल को चेंज करना है तो आपको यहाँ पर स्लाइड कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फाउंड स्टाइल चेंज हो चुकी है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो भी स्टाइल आपको पसंद है आपको सिर्फ उस पर एक बार क्लिक करके उसे सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से दोस्तों यहां पर आप इस कीबोर्ड को यूज कर सकते हैं और अपने लिखने के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। काफी यूजफुल एप्लीकेशन है। अगर आपको इसे किसी और एप्लीकेशन में यूज करना है तो वहां पर भी दोस्तों ये कीबोर्ड 100% काम करता है, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं। आप कहीं पर भी कुछ भी टाइप करेंगे तो यहां पर आपकी जो लिखने की स्टाइल है वो चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वॉलपेपर पसंद है तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू।